Chandrakant, your students. Welcome to Electricity and Magnetism lecture number 7. I'm Dr. Purvez Ahmed. In this lecture, we will have a discussion on the application of the Gauss's law. In this lecture, we will discuss Gauss's law ki application ke baare mein baat karenge aur usko discuss karenge. So, Gauss's law ko jab hum apply karte hain, to hume chand cheezon ko yaad rakhna hoga. और वो चीज़ें मतलब क्या क्या हैं, थोड़ा सा पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि जब भी हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं तो कुछ चीज़ों का हमने ख्याल रखना है. दैट इज़ यूज गॉसेस लॉ, यू वांट टू चूज अ गॉसियन सरफेस ओवर विच द सरफेस इंटीग्रल्स कैन बी सिंपलीफाइड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिटरमाइंड. ठीक है, कि पहली बात तो यह है कि जब भी हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस को ड्रा करते हैं, और ऐसे गॉसियन सरफेस को हम ऐसे फॉर्म में मतलब ड्राइव करते हैं कि जहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कि जिससे हम आसानी के साथ उस सरफेस इंटीग्रल को सिंपलीफाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं. और इसी सिचुएशन में हम फ़ायदा उठाते हैं सिमेट्री सिचुएशन का. मतलब तो जब भी हम कोई सरफेस ड्रा करते हैं तो हम कोई आसान सा सिमेट्री वो क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि कौन सा सिमेट्री उसके साथ ज़्यादा सुटेबल है, उसी के मुताबिक हम एक गॉसियन सरफेस वो ड्रा करते हैं. सो रिमेंबर, वी शुड रिमेंबर दैट द गॉसियन सरफेस इज अ सरफेस यू चूज. ठीक है, कि हमें यहाँ पर यह ख्याल रखना होगा कि जो गॉसियन सरफेस है हम उसी को चूज करते हैं, मतलब वो पहले से मौजूद नहीं होता, हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक या सिचुएशन के मुताबिक हमने इसको चूज़ करना है. इट डज़ नॉट हैव टू कंसाइड विद द रियल सरफेस. ठीक है, इसका रियल सरफेस के साथ कंसाइड होना या एग्री होना वो ज़रूरी नहीं है. मतलब एक गॉसियन सरफेस को हम ही चूज़ करते हैं डिपेंड अपॉन द सिचुएशन गिवन एंड द प्रॉब्लम. अच्छा, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस है गॉसियन सरफेस के लिए, कि जब भी हम कोई गॉसियन सरफेस को चूज़ करते हैं तो हमें कुछ कंडीशंस को जहन में रखना होगा कि अगर ये कंडीशन फुलफिल करे तो ठीक है, वरना ये नहीं है तो फिर हम उसी मतलब कोई दूसरा गॉसियन सरफेस को हम नहीं चूज़ कर सकते. तो कौन कौन से कंडीशंस है हमारे पास? फर्स्ट, दैट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी आर्ग्यूड फ्रॉम द सिमेट्री टू बी कॉन्स्टेंट ओवर द सरफेस. ठीक है, मतलब ये हमारे पास पहली कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब हम गुफ्तगू करते हैं उसी हाथ सिमेट्री के लिहाज से, तो हम कहते हैं कि वो उसी सरफेस के ऊपर वो क्या होगा, उसी के सरफेस के ऊपर उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. मतलब जो सिमेट्री, जिस सिमेट्री के बारे में हम आर्ग्यू कर रहे हैं उसी पर मतलब जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कांस्टेंट होगी. सो जो डॉट प्रोडक्ट है, दूसरी बात यह है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एरिया एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सैम्पल अलजेब्रिक प्रोडक्ट. ठीक है, कि जो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच, उसको हम एक सिंपल अलजेब्रिक डॉट प्रोडक्ट ही कंसिडर करेंगे, दैट इज़ ई डी ए. ठीक है, और वो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया एलिमेंट है दे आर पैरेलल, वो दूसरे के वो पैरेलल हैं. तीसरी बात जिसका हमने ख्याल रखना है वो ये है कि द डॉट प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो. क्यों डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा? बिकॉज ई एंड डी ए आर परपेंडिकुलर. कि अगर हमारे पास जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया एलिमेंट है एफ दे आर परपेंडिकुलर, अगर वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो फिर हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा. और हम कहेंगे कि फील्ड इज़ ज़ीरो ओवर द पोर्शन ऑफ द सरफेस. ठीक है, कि हमारे पास फिर उसी कंडीशन में जो सरफेस का पोर्शन है उस पर जो फील्ड होगा दैट वुड बी ज़ीरो. अच्छा, so if the charge distribution does not have sufficient symmetry, okay, such as that of a Gaussian surface that satisfy these conditions can be found, a Gauss's law is not useful for determining the electric field for that charge distribution. ab kuch hamare paas is tarah situation agar aa jati hai ki jisme hum kehte hain ki hamare paas koi khas symmetry maujood nahi hai, theek hai, मतलब कोई इसे खास कंडीशंस वो नहीं है, तो उसी कंडीशन में हम गॉसेस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड के डिटरमिनेशंस के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मतलब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. मतलब जब भी हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ सिमेट्री सिचुएशन. क्या अगर सिमेट्री सिचुएशन है या एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस है तो उसी कंडीशन में
मतलब हम गॉसियस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसी सरफेस हो जो कि जो गॉसियन सरफेस की जो कंडीशंस है वो उस पर सेटिस्फाई ना हो, तो इसी कंडीशंस में हम फिर क्या करें, गॉसियस लॉ को मतलब हम उधर अप्लाई नहीं कर सकते। इवन अगर हम अप्लाई भी करें तो जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है फील्ड की वो हम उसको नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ये हमारे पास चंद कंडीशंस है जिसका हमने ख्याल रखना है whenever we trying to apply the Gauss's law to find out the electric field in any particular situation or any particular charge distribution। ठीक है, कि हमारे पास कोई सा भी पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्फेसिस है या वॉल्यूम है या जो भी कंडीशन है उसमें चार्जेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और हमें कहा जाता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें, तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इन उसूलों पे आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट एक केस एग्जांपल केस को कंसिडर करते हैं वेयर वी आर बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द चार्ज, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि हमारे पास क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें हमें कहा जाता है कि यू नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है, जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर इन दिस पर्टिकुलर फिगर, के हियर वी हैव पॉइंट्स, मतलब कि हमने यहाँ पर ये जो चार्ज है दैट इज बीइंग लाइंग एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, सो पर ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, मतलब अगर हमें कहा जाता है कि यहाँ पर स्फीयर से बाहर एक पॉइंट पे आप क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें, तो इसी कंडीशन में हमने क्या करना है, क्योंकि चार्ज इधर इस स्फीयर के अंदर पड़ा है और हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बाहर इस स्फीयर से, तो हमने एक कंसेंट्रिक सर्कल्स को ड्रा करना है। ठीक है, एक कंसेंट्रिक सर्कल्स को ड्रा करना है आप रेडियस आर, और इसी से फिर हमने क्या करनी है, इसी पे फिर हमने जिस तरह हमने रूल रेगुलेशंस वो डिस्कस किए हैं, आज जो कंडीशन हमने एक्सप्रेस की है उसके मुताबिक फिर हम क्या करेंगे, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट हम कैसे करेंगे, स्टार्ट कुछ यू करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये स्फीयर है और हमें कहा जाता है कि आउटसाइड दैट स्फीयर यू नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और चार्ज जो है उधर स्फीयर के अंदर पड़ा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट एक स्फीयर एज अ गॉसियन सरफेस, मतलब इस कंडीशंस के मुताबिक हमने क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस के तौर पे हमने क्या करना है, एक स्फीयर ड्रा करना है। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, एंड वी हैव टू ड्रॉन दैट स्फीयर इन सच अ वे दैट आर, कि ये जो मतलब स्फीयर जो हमने ड्रा की है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन वो स्फीयर जाहिर कर रहा है, उसके लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि ये जो रेडियस है उसका, जिस गॉसियन सरफेस को हमने कंसिडर किया है उसका जो रेडियस है दैट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर। ठीक है, और जाहिर बात है आप इसको देख भी सकते हैं कि मतलब इसका जो रेडियस है आर दैट इज ग्रेटर देन द ए। फिर पर सच कंडीशंस, अब हमारे पास जो गॉसियस लॉ है, गॉसियस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है, गॉसियस लॉ की जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय इंटीग्रल ई डॉट डी ए, विच इज मतलब इंटेग्रल ई डी ए, जिस तरह की कंडीशन है उसके मुताबिक हम उसको इवेलुएट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर देखें, जिस तरह के हमने पहले कंडीशंस में इसको मेंशन किया था कि हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी दैट विल बी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर जो चीज़ रहती है दैट इज द सर्फिस एरिया, वो सरफेस एरिया हमारे पास बच जाती है। तो अब जो फ्लक्स है वो हम कहते हैं कि द टोटल फ्लक्स दैट इज गिवन बाय द चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई कांस्टेंट है तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जस्ट जो एरिया है उसकी वैल्यू पुट करनी है। सो एरिया की वैल्यू आपको पता है दैट इज गिवन बाय 4πr². अब हम कहते हैं कि एरिया ऑफ द स्फीयर, सो एरिया ऑफ द स्फीयर वो आपको पता है कि दैट इज गिवन बाय 4πr², सो ई इंटीग्रल से बाहर निकल आएगा, सो इंटीग्रल डी ए दैट विल बी इक्वल टू 4πr². फिर हमने ई की वैल्यू को निकालना है, सो ई की वैल्यू को निकालने के लिए ज़रूरी है कि ये जो एरिया की एलिमेंट है 4πr², इसको हम इधर इस साइड पे लेके आएंगे। ठीक है, सो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ ई दैट इज इक्वल टू
क्यों यहाँ पर हमने कैपिटल क्यों लिया है, वाई कैपिटल क्यों, बिकॉज यहाँ पर ये क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज एंड द गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज पे एनक्लोज है, टोटल चार्ज दैट इज गिवन बाय क्यों, ये सी चार्ज पे है। फिर जो हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर वाज बेसिकली दिस एरिया, ठीक है, इंटीग्रल डी ए मतलब ये एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट पहले से यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय क्यों डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है दैट इज द कूलम कांस्टेंट के, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू के क्यों डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पहली कंडीशंस है कि जब हम कहते हैं कि गॉसियन सरफेस है और जिसका रेडियस है वो क्या है, जो गिवन स्फीयर है उसके रेडियस से बड़ा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, अब देखें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है, ये जो रिलेशन आ रहा है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो व्हाट इट मीन, इट मीन दैट इफ यू टेक अ पॉइंट, इफ यू टेक अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सो वी रिमेंबर दैट फॉर दिस पॉइंट द स्फीयर विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अगर हमें ये कंडीशन दिया जाता है कि स्फीयर से बाहर स्फीयर के अंदर चार्ज बढ़ा है या वो स्फीयर खुद ब खुद वो एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, और आप उसके गिर्द क्या करें, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यू आ जाती है दैट इज आपके पॉइंट चार्ज। तो इसका मतलब ये होगा कि इसी पॉइंट के लिए जिस पर हमें फील्ड कैलकुलेट करने का कहा गया है, इसके लिए ये जो स्फीयर है ये बिहेव करती है एज अ पॉइंट चार्ज, एंड दैट इज़ बीन शोन बाय दिस रिलेशन, वो इस रिलेशन से हमारे पास वो जाहिर है। अब दूसरा केस हम कंसिडर करते हैं कि उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं फॉर पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, कि एक पॉइंट हम लेते हैं और वो पॉइंट क्या है, वो है स्फीयर के अंदर है, ठीक है। एक पॉइंट को हम लेते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है कि वो पॉइंट स्फीयर के अंदर है, ठीक है। सो ए स्फेरिकल सरफेस स्मॉलर देन द स्फीयर इज ड्रॉन, वो यहाँ पर देखें ये वाला पॉइंट हम कंसिडर करें कि स्फीयर के अंदर एक पॉइंट पे हमें कहा जाता है कि आप क्या करें कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें। मतलब पहले केस में जो हमने पॉइंट लिया था दैट पॉइंट वाज आउटसाइड द स्फीयर, वो स्फीयर के बाहर था, अब हमें कहा जाता है कि आप स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे क्या करें इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कैलकुलेट करें। तो हमने कंडीशन हमारे पास क्या है कि वी हैव टू सेलेक्ट अ स्फीयर एज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है, कि स्फीयर जिस तरह आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, ये स्फीयर है एज अ गॉसियन सरफेस के तौर पे हमने इसको कंसिडर किया हुआ है, और इसकी जो रेडियस है दैट इज आर, ठीक है, जिस तरह पहले कंडीशन में था रेडियस आर है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेडियस आर है दैट इज स्मॉलर देन द ए, कि ये जो ए है इससे इसकी वैल्यू क्या है, मतलब जो अंदर वाली स्फीयर है इसकी वैल्यू छोटी है बनिस्बत बाहर वाले स्फीयर के, ठीक है। सो आर की वैल्यू है क्या है, आर इज स्मॉलर देन ए। फिर इन सच कंडीशंस हमारे पास क्या है कि द चार्ज इनक्लोज इज स्मॉलर देन द टोटल चार्ज, ठीक है, कि अब जो चार्ज इनक्लोज है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो टोटल चार्ज है उनसे क्या है, उससे उनकी वैल्यू जो है वो स्मॉलर है, ठीक है। मतलब टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या है, वो बड़ी है, ठीक है, टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो बड़ी है, मतलब टोटल चार्ज इज बेसिकली द चार्ज ऑफ द स्फीयर। यहाँ पर हम कहते हैं एज अ होल कि ये हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है, ठीक है, कि हम कहते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर जो पहली कंडीशन हम डिस्कस कर रहे थे कि ये टोटल जो स्फीयर है ये क्या है, ये चार्ज स्फीयर है, ठीक है। सो अब यहाँ पर जब हम एक छोटा स्फीयर ले रहे हैं तो जाहिर ही बात है ये यहाँ पर देखें कि चार्ज बेसिकली है जो टोटल चार्ज स्फीयर का दैट बी डिनोटेड बाय क्यों। अब यहाँ पर जो चार्ज इंक्लोज है मतलब इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज आ रहा है तो जाहिर ही बात है दैट विल बी स्मॉलर देन द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज स्फीयर का क्यों है, कैपिटल क्यों,
और जो इसके अंदर इनक्लोज चार्ज आ रहा है दैट इज स्मॉलर क्यू, दैट वी हैव डिनोटेड बाय स्मॉलर क्यू विद द सबस्क्रिप्ट एन. तो जाहिर बात है इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी स्मॉलर देन द टोटल चार्ज. ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है इसको अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब जो चार्ज इनक्लोज्ड है, ठीक है, इसी सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है उसको अगर हम कैलकुलेट करें सो दैट विल बी गिवन, ठीक है, दैट विल बी गिवन बाय आर इन टू 4/3 πr³. ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या है, दैट इज बेसिकली द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, वॉल्यूम चार्ज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यहाँ पर देखें कि दिस इज द वॉल्यूम 4/3 πr³. ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास इस एरिया का वॉल्यूम है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली हमारे पास क्या है कि चार्ज इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो क्यू एन क्लोज इज इक्वल टू आर एन टू 4/3 πr³. मतलब ये हमारे पास जो टोटल चार्ज इनक्लोज है इज गिवन बाय दिस रिलेशंस. अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो गॉसेस लॉ है, सो नाउ यू हैव रिलेशन फॉर द गॉसेस लॉ. गॉसेस लॉ की ये हमारे पास बाय डिफिनीशन ये रिलेशंस है. अब इसी रिलेशंस में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं. ठीक है, सो नाउ व्हेन यू पुट अप द वैल्यूज, अब वैल्यूज पुट अप करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर देखें कि चार्ज इनक्लोज के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वैल्यू है. ठीक है, अब एरिया जो एलिमेंट है वो हम कहते हैं कि हमारे पास एरिया एलिमेंट उसकी भी हमारे पास वैल्यू है, लेकिन हम कह रहे हैं कि एरिया एलिमेंट इन सच ए कंडीशंस वो हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब उसकी भी एक खास वैल्यू है. तो यहाँ पर हम पुटिंग करते हैं जिस तरह हमारे पास कंडीशन है चार्ज इनक्लोज के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, देखिए यहाँ पर है, हम जस्ट पुटिंग करते हैं. सो चार्ज इनक्लोज, ठीक है, एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द स्फीयर है. तो एरिया ऑफ द स्फीयर के लिए पहले हमने वैल्यू पुट की थी दैट इज इक्वल टू 4πr² 4πr² इज बेसिकली द एरिया ऑफ द स्फीयर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कहते हैं कि ओवर द स्फीयर वो कांस्टेंट रहती है, तो इसको हम इधर ही छोड़ देंगे और डेल्टा ए इंटीग्रल डेल्टा ए देयर इज द एरिया ऑफ द स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4πr², उसको हम इस साइड पे लेके आएंगे. सो हेयर वी हैव द चार्ज इनक्लोज. ठीक है, द चार्ज इनक्लोज इज गिवन बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 4πε₀r². ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसी रिलेशंस में हमने क्या पुट करनी है, ये क्यू एन की मतलब जो चार्ज इनक्लोज है उसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ से. ठीक है, अब यहाँ से हमने वैल्यूज पुट करनी है एंड देन वी हैव द कंडीशंस, फिर हमारे पास वो कंडीशंस भी है. तो उसी कंडीशंस के मुताबिक हमने कहा था कि क्यू एन इज स्मॉलर देन द क्यू. ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, यू नो दैट के 4πε₀ इज बेसिकली द कूलम कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो हम जो वैल्यू पुट करेंगे सो यहाँ पर दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इनटू आर. ठीक है, इनटू आर वाई, क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज द होल, मतलब ये हमारे पास क्या है कि ये जो होल सरफेस है हम कहते हैं कि ये उसका रेडियस है एंड आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्मॉलर दिस स्मॉलर स्फीयर. ठीक है, सो ये हमारे पास एक रिलेशंस वो आएगा. ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पर्टिकुलर केस इज गिवन बाय दिस रिलेशंस. ठीक है, अब इसी रिलेशन से मतलब ये हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशंस हमने पुट किए उसके मुताबिक ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉलर सरफेस एरिया ड्यू टू और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द चार्ज स्फीयर, मतलब इनसाइड चार्ज स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए हमारे पास ये रिलेशंस हैं एंड दिस इज अंडर दिस पर्टिकुलर कंडीशंस, ये हमारे पास ये कंडीशंस हैं. अब यहाँ पर थोड़ा सा दोनों कंडीशन को हम रियलाइज करते हैं कि देखें कि हमारे पास क्या है कि यही स्फीयर है
और इसी स्पेयर पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम कहते हैं कि दैट्स बीन वेरी एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस, ठीक है। तो हमने दो पॉइंट लिए हैं फ्रॉम द सेंटर द पॉइंट, एक पॉइंट है ए, ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि दैट इज बीन द रेडियस ऑफ द स्पेयर, ठीक है, एक चार्ज स्पेयर है उसका रेडियस है, जो चार्ज स्पेयर है उसका रेडियस है, ठीक है। तो चार्ज स्पेयर के लिए हम कहते हैं कि उसी कंडीशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वो हमारे पास बराबर है के क्यों ए क्यू एन टू आर, ठीक है। और फिर आउटसाइड द स्पेयर, आउटसाइड द स्पेयर जब हमने कैलकुलेशन की है सो दैट इज गिवन बाय के क्यों डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो इसको हम एलोबोरेट कैसे करते हैं कि इनसाइड द स्पेयर ई वेरीज लीनियरली विद आर, ठीक है, इनसाइड द स्पेयर ई वेरीज लीनियरली विद आर, कि स्पेयर के अंदर ई जो है वो आर के साथ लीनियरली वो वेरी करती है, जिस तरह के मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, के मतलब ये रिलेशन है ई को हमने प्लॉट किया एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, आर द सेपरेशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ई जो है वो क्या है आर के साथ, मतलब आर के साथ लीनियरली वो वेरी करती है, मतलब आर की वैल्यू जैसे इंक्रीज करती है ई की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, आर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो ई की वैल्यू डिक्रीज करेगी, सो हियर वी हैव अ लीनियर रिलेशन, ठीक है। लेकिन जो ही हम स्पेयर के मतलब वो जा रहे हैं स्पेयर से बाहर हम जा रहे हैं सो वी हैव रिलेशन इनवर्स स्क्वायर रिलेशन विद द सेपरेशन, ठीक है, आर के साथ फिर हमारी इनवर्स स्क्वायर रिलेशन आ जाती है, मतलब जब हम स्पेयर के बाहर जाते हैं सो ई एज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। सो व्हाट इट मीन, मतलब जो लीनियर रिलेशन है जो पहले वाले की अगर हम बात करें, ये वाली जो रिलेशन है लीनियर रिलेशन है, इट मीन दैट कि अब अगर ई हमारे पास जीरो की तरफ जाता है सो आर ऑल्सो टेंड टू जीरो, ठीक है। लेकिन जो आउटसाइड फील्ड है द फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इज इक्वलेंट टू दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर तो हम कहते हैं कि लीनियर रिलेशन से ई और आर के बीच, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो रिलेशन है दैट इज बेसिकली इक्वलेंट टू दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज के लिए रिलेशन है कि अगर हम कहें कि चार्ज इधर सेंटर पे पड़ा है उसी के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आएगी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बाहर हम जो भी पॉइंट लेते हैं उसके लिए ये जो टोटल ये जो होल स्पेयर है ये बिहेव करता है एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसी कंडीशन में हमारे पास ये है कि सेंटर के स्पेयर के सेंटर पर अगर कोई चार्ज पड़ा है तो उस पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास क्या है, उसी पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो पॉइंट चार्ज की कैलकुलेशन ये आएगी। लेकिन अब हकीकत ये है कि ये वाला रिलेशन हमारे पास है फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, ये आउटसाइड स्फीयर के लिए हमारे पास ये कैलकुलेशन है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि आउटसाइड आप कोई सा भी पॉइंट ले ले, ये वाला पॉइंट ले ले, ये वाला ले ले या ये वाला ले ले, तो आउटसाइड द स्फीयर मतलब वो क्या है उसके लिए जो टोटल जो स्फीयर है इट विल बिहेव लाइक एज अ पॉइंट चार्ज, उसके लिए जो टोटल स्पेयर है जो होल स्पेयर है ये ऐसा बिहेव करेगा जिस तरह के वो एज अ होल मतलब एज अ होल एज अ पॉइंट चार्ज, टोटल स्पेयर उस पॉइंट के लिए क्या होगा जो बाहर वाली पॉइंट होगी उसके लिए एज अ पॉइंट चार्ज के तौर पे वो बिहेव करेगी। दूसरी हमारे पास है एग्जाम्पल आर फील्ड कैलकुलेशन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन ऑफ अ चार्ज, कि हमारे पास क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अलॉन्ग ए लाइन, कि एक लाइन है हमारे पास और उसी लाइन के साथ ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड वी आर बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द फील्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है, कि ए लाइन ऑफ चार्ज है और उससे हमें कहा जाता है यहाँ पर देखें कि दिस इज बेसिकली ए लाइन ऑफ चार्ज, ये एक लाइन है जो रेड कलर में आपको दिख रहा है और इस पे चार्जेस है, द प्लस साइंस बेसिकली इंडिकेट द चार्जेस, ठीक है, और हमें कहा जाता है कि इससे डिस्टेंस आर पे क्या करें, एट अ डिस्टेंस आर पे आप कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करें एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम देयर सर्कल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट अ सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, कि हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस को ड्रा करना है और हमने ये तसव्वुर करना है कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज आई मीन सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, दिस वाई वी हैव सेलेक्ट सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब है कि हमने जो गाशियन सरफेस है उसको इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर वो कंसिडर कर लिया है. ठीक है, और ये जो सिलेंडर हमने कंसिडर किया, सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस हमने कंसिडर किया हुआ है, उसका हमने एज्यूम किया है कि मतलब इसका जो रेडियस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट लाइन टू द एंड ऑफ दैट सिलेंडर वो हमारे पास क्या है, आर है. ठीक है, और उसकी जो लेंथ है, द लेंथ दैट वी डिनोटेड बाय स्मॉल एल. ठीक है, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर जिस तरह हम बात कर रहे हैं या जो हमने कंडीशंस दी है स्टार्ट में, वो हमारे पास क्या है कि ई इज कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड. कि ई हमारे पास क्या है, ई इज कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये हमारे पास क्या है, ये सरफेस है. ई इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व पाथ. अब कर्व पे जो भी पॉइंट है, ये कर्व पाथ है हमारे पास, ये बाहर वाला ये कर्व पाथ है. ठीक है, ये कर्व पाथ है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो परपेंडिकुलर है हर उस पॉइंट पे जो इस कर्व पॉइंट पे है, जो इस सरफेस के कर्व पॉइंट पे है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है. सो वी नीड टू यूज गॉसेस लॉ टू फाइंड द फील्ड. अब इसी के लिए हमने गॉसेस लॉ को यूज करके फील्ड को वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो बाय गॉसेस लॉ यू नो दैट कि गॉसेस लॉ आपको पता है, इज गिवन बाय दिस रिलेशंस. अब ये हमारे पास रिलेशन है गॉसेस लॉ के लिए दैट यू शुड रिमेंबर. ठीक है, अब E हमारे पास क्या है, E को हमने पहले बता दिया कि E इज कांस्टेंट, E की जो मैग्नीट्यूड है अब वो कांस्टेंट है. सो इंटीग्रल dA का मतलब है कि द एरिया ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, कि सिलेंडर की जो एरिया है वो हमने कैलकुलेट करना है. और यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, तो हमने क्या करना है, क्यों की बजाय जो लीनियर चार्ज, क्यों की जो वैल्यू है फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो हमने पुट करनी है. तो पहले E को इंटीग्रल से बाहर लेके जाए, E इंटीग्रल dA की बजाय एरिया ऑफ द सिलेंडर जो कि हमारे पास बराबर है 2πRL की. और क्यों, फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वैल्यू है लैम्डा L, लैम्डा फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एक पर्टिकुलर लेंथ पे हमारे पास कितने चार्जेस वो डिस्ट्रीब्यूट है दैट वी कॉल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसको ऑलरेडी पहले मतलब लेक्चर में हम इसके बारे में वो बात कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें. ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आ गई है. अब इसे E की वैल्यू को निकालें, मतलब दोनों साइड को 2πRL पे डिवाइड करें. सो यू विल गेट द वैल्यूज. ठीक है, एस E इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पहले देखें कि यहाँ इस साइड पे भी L है, इस साइड पे भी L है, L L के साथ कैंसिल हो जाएगी. अब यहाँ से E की वैल्यू निकालें, इससे E विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πε0R. ठीक है, अब तो अगर मतलब है कि आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप क्या करें, दो पे मल्टीप्लाई करें और दो पे डिवाइड करें. ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है 2 4π दैट विल बिकम 4πε0 विच इज़ द वैल्यू ऑफ द कूलम कांस्टेंट. ठीक है, एंड 2 विल रिमेन हेयर, सो यू विल गेट 2kλ/R. सो दिस इज़ द वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अलाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फिर हमारे पास है मतलब यही कंडीशंस है जो लाइन चार्ज फील्ड ड्यू टू अलाइन फील्ड ड्यू टू अलाइन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो इसमें हम अगर थोड़ी सी एनालिसिस करें तो यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ें हमारे जहन में आ जाएगी. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ज हमारे पास इधर इस सेंटर में है. ठीक है, और फील्ड लाइन दे आर रेडिली आउटवर्ड. तो ये हमारे पास क्या है, या हमारे पास सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है वो है. सो द एंड वी कंफर्म द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस. ठीक है, ये देखो, ये हमें ये कंफर्मेशन दे रही है कि फील्ड जो है वो क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस. द फील्ड कर्व सरफेस की वो क्या है, परपेंडिकुलर है. एंड द फील्ड थ्रू द एंड ऑफ द सिलेंडर इज जीरो. ठीक है, और द फील्ड
to the end of the cylinder is zero since the field is parallel to the surface. ठीक है कि एंड जो सिलेंडर की जो एंड है वहां पर क्या है जो एंड से उस वहां पर वो जीरो है. क्यों जीरो है? सेंस द फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस. फील्ड मतलब जो सरफेस है उसके वो पैरेलल है. ठीक है, मतलब ये थोड़ी सी चीजें हमने याद करनी है इफ वी वांट टू कैलकुलेट द फील्ड इन केस ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फिर हमारे पास है कि यू माइट बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द फील्ड ड्यू टू अ प्लेन ऑफ चार्ज. ठीक है, जिस तरह में कहा जाता है कि ये हमारे पास एक प्लेन है, आप थोड़ा सा ये वाली जो हमने सरफेस ड्रा की इसको इग्नोर करें. मतलब यहाँ पर ये एक प्लेन है, आपको कहा जाता है कि एक प्लेन है जिसपे चार्जेस वो डिस्ट्रीब्यूट है एंड यू आर अभी आस्क्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू प्लेन ऑफ चार्ज. तो कंडीशन वही है कि आपने पहले मतलब एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर करना है अप्रोप्रिएट टू द कंडीशन. ठीक है, and where you have to assume that E must be perpendicular to the plane, ke E plane ke bilkul perpendicular hogi and must have the same magnitude at all the point equidistant from the plane. theek hai, ke equidistant from the plane E ki jo magnitude hogi wo kya hogi, wo magnitude iski constant rahegi, matlab usme koi wo change nahi aayegi. matlab ye conditions hai ki aapne agar koi gaussian surface consider karna hai तो वो इसी कंडीशन के तहत वो कंसिडर करना है. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, अब आपने करना क्या है कि चूज ए स्मॉल सिलेंडर. ठीक है, जिस तरह के यहाँ पर दिख रहा है एक स्मॉल सिलेंडर आपने चूज करना है. ठीक है, हुज एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, कि जिसकी एक्सिस हम कहते हैं कि क्या है, कि जिसकी एक्सिस हो परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर द गॉसियन सरफेस. ठीक है, जो गॉसियन सरफेस के लिए हमारे पास प्लेन है उसकी जो जो सिलेंडर की एक्सिस है वो उसकी परपेंडिकुलर होनी चाहिए. ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है कि सिलेंडर को आप ऐसे चूज करते हो कि हम कहते हैं कि इसकी जो एक्सिस है वो क्या है, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये प्लेन है और इसकी जो एक्सिस है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, so what it mean, it mean that E is parallel to the curved surface. ठीक है, ये जो electric field है, जो electric field है वो क्या है, parallel to the curved surface. ये हमारे पास curved surface है. ठीक है, कि E is parallel to the curved surface and there is no contribution to the surface area from this curved path of the cylinder. ठीक है, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन टू द सर्फेस. तब हमारे पास जो सर्फेस एरिया है, ठीक है, उस सर्फेस एरिया को ये जो करो फाथ है इसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन वो नहीं है. ठीक है, सो द फ्लक्स थ्रू ईच एंड ऑफ द सिलेंडर. अब इस करो सर्फेस से हम कहते हैं करो सर्फेस से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक है, लेकिन ये जो सिलेंड्रिकल एरिया है जो एंड पॉइंट है, ठीक है, इससे मतलब कंट्रीब्यूशन है. एंड पॉइंट पे हमें कंट्रीब्यूशन है क्योंकि फील्ड लाइन इसी डायरेक्शन पे मतलब आ रहा है. अब इधर हमारे पास क्या है, ये जो कर्व पाथ है इससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. सो द फ्लक्स थ्रू ईच एंड ऑफ द सिलेंडर इज ई ए. ये वाला एक सरफेस है, एंड है, एंड सरफेस है, और एक एंड सरफेस है. तो एक सरफेस से हम कह रहे हैं कि ये ई ए है, इस सरफेस से ई ए है, इस सरफेस से ई ए है. तो टोटल फ्लक्स जो है वो हमारे पास है टू ई ए. ठीक है, तो व्हाट इट मीन द टोटल चार्ज. अब टोटल फ्लक्स हमारे पास जो आया यहाँ पर हम कहते हैं कि टोटल फ्लक्स ये हमारे पास बराबर है टू ई ए के. अब हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, या हम कहते हैं कि टोटल चार्ज एंड टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय सिग्मा ए. ये हमारे पास क्यू की वैल्यू है, चार्ज टोटल जो चार्ज है, ठीक है, ओवर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो दैट इज गिवन बाय सिग्मा ए. ठीक है, दैट इज बेसिकली द टोटल चार्ज एंड सरफेस इज इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ए. ठीक है, सो नाउ अप्लाइंग द गॉसियन लॉ को आप अप्लाई करते हो तो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है कि टोटल जो फ्लक्स है दैट इज गिवन बाय टू ई ए. ठीक है, दैट इज इक्वल टू Q
क्यों ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली क्यों है, दैट इज द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज हम कहते हैं इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ए, तो वो टोटल चार्ज मतलब क्यों की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट की, मतलब ये और क्यों सेम है, मतलब ये क्यों की वैल्यू है, क्यों इज इक्वल टू सिग्मा ए, ये वैल्यू हमने पुट की है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी बहुत आप सिंप्लीफिकेशन करें, सो ए विल बी कैंसल विद द ए, ठीक है, सो यू आर लेफ्ट विद टू ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। आपने ई की वैल्यू निकालनी है, सो ई विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, विच इज मतलब विच हमारे पास क्या है, विच इज द फ्लक्स, मतलब जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास फ्लक्स है इस पर्टिकुलर सॉरी जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इवन वी हैव द आई मीन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस अलोंग अ प्लेन, कि हमारे पास एक प्लेन है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन वी हैव टू नोट दिस के ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है डज नॉट डिपेंड ऑन द आर, ये आर के वैल्यू पे वो डिपेंड नहीं करे, बिकॉज हियर इन द फाइनल रिलेशन वी डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट के द फील्ड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, फील्ड हर जगह पर वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, टिल देन बाय बाय।